भगवान के प्रिय भक्तों, जिस समय भोलेनाथ और भोलेनाथ के समाज का स्वरूप देख करके माँ मैना तो मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी और सखियाँ भागी जा रही हैं महलों में जा करके छुप गईं। मैना को उठा करके महलों में लाया गया और जब होश आया तो पार्वती जी को गोद में लेकर के विलाप करने लगी। तभी सप्तऋषि आते हैं और फिर कहते हैं कि जिसको तो अपनी बेटी मान बैठी है, अरे बावली वो तो साक्षात जगदम्बा का रूप है और वे साक्षात परमात्मा है। देख ध्यान से, अपने हृदय में भगवान की भक्ति धारण कर और सामने देख भोलेनाथ का रूप कितना सुंदर है। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बस फिर क्या था, भोलेनाथ की जय हो करके और उधर भोलेनाथ को वहाँ मंडप में बैठाया गया, माँ पार्वती जी को बायंग में बैठाया गया और फिर होने लगा कन्यादान हाँ दान हिम राजकुमारी गोरा का। होने लगा कन्यादान महादान हिम राजकुमारी गोरा का। बरसों में आई ये शुभ बेला, बरसों में आई ये शुभ बेला गिरिराज के घर पे लगा मेला, गिरिराज के घर पे लगा मेला हुआ पूरन आज अरमान अरमान हिम राजकुमारी गोरा का। हिमाचल ने कन्या दान दिया, ये जोड़ा बड़ा महान हे महान हिम राजकुमारी गोरा का। रथ और बैल हाथी घोड़े रथ और बैल दिए दान में सब कन्या के गैल, दिए दान में सब कन्या के गैल दिया गृहस्थी का सब सामान सामान हिम राजकुमारी गोरा का।
मोती सोना चांदी, हीरे मोती सोना चांदी, सेवा करने को दी बांदी, सेवा करने को दी बांदी, योगी क्या करे बखान, हे बखान हिम राजकुमारी गोरा का। होने लगा कन्यादान महादान, हिम राजकुमारी गोरा का। होने लगा कन्यादान महादान।